वेलकम बैक टू कर्नाटक एक्वेरियम चैनल। मैं अभी लेके मतलब अभी शॉप का टूर बनाने के लिए आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैं पूरा मतलब कर्नाटक एक्वेरियम शॉप का पूरा टूर बना रहा हूँ। सब बर्ड्स एक्वेरियम इसमें आपको सभी देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मैं आज आपको पूरे शॉप का टूर बनाने वाला हूँ, जैसे कि इंक्लूडिंग बर्ड्स, फिशर्स, रेप्टाइल्स, एवरीथिंग इन वन वीडियो। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो अभी हम जाते हैं बर्ड्स दिखाने के स्टार्टिंग में। आप अभी हम बर्ड्स दिखाएंगे। जैसे आप इधर देख सकते हैं मेरे पास अभी लुटिनो फिशर्स है। और तो ये आप देख सकते हैं लुटिनो फिशर्स है, इसका 4500 रुपीज पेर है। अभी दूसरा ब्रीड में बताना चाहूंगा, म्यूटेशन लुक। ये लुटिनो है अफ्रीकन लव बर्ड, ये भी 3500 रुपीज पेर है। और बाकी आप तो ये जानते हैं 4500 है ब्लू मार्क। और अभी सनकोन्यूर देख सकते हैं आप, इधर सनकोन्यूर है। और ये अभी टेम्ड वाला बच्चा है, छोटा हैंड टेम्ड हो रहा है, ये छोटा बच्चा है ये अभी। ये हो गया आपका पाइनएप्पल कॉन्यूर, जो ज्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। पाइनएप्पल कॉन्यूर प्लस बहुत रीजनेबल बर्ड है, 7000 रुपीज ईच है टेम्ड वाला। और बाकी और भी बर्ड दिखाना चाहूंगा। तो ये जिब्रा फिंचेस हैं, 450 रुपीज पेयर वाले जिब्रा फिंचेस हैं, जो कॉमन फिंचेस बोलते हैं। और दूसरा हेलीकॉप्टर बजरीस हैं, ये आप देख सकते हैं पूरे हेलीकॉप्टर टाइप में ही है हेलीकॉप्टर बजरीस। आप इनके पर देख सकते हैं पूरे एकदम फ्रिल बैग जैसे हैं। और इसमें सभी म्यूटेशंस हैं, व्हाइट, येलो, ब्लू, ब्लू पाइड और बाकी बहुत सारे कलर्स हैं, जिन कलर्स के नाम भी आज तक नहीं आए ऐसे कलर्स भी हैं इसमें। तो ये भी काफ़ी सारे हैं। और डायमंड डाव आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका डायमंड डाव, जो ब्रीडिंग पेयर्स में अवेलेबल हैं अभी कर्नाटका एक्वेरियम पे। जो भी आप डायमंड डाव देख रहे हैं सब ब्रीडिंग पेयर्स हैं, पूरे अडल्ट बर्ड हैं। और ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, अगर किसी को ब्रीड करना है, स्टार्टअप करना है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऐसे अडल्ट बर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। और इसमें सिल्वर भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सिल्वर बर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू गोल्ड का बड़ा जोड़ा है, अडल्ट पेयर ब्रीडिंग साइज में। बहुत ब्यूटीफुल कलर है, आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम फुल्ली सेटल्ड बर्ड है। तो इसका 6 लाख रुपए है और विथ डीएनए है, 6 लाख रुपए का जोड़ा है विथ डीएनए, ब्रीडिंग साइज कंफर्म है। ऐसे कलर में और ऐसे सटल बर्ड आपको मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल रेगुलर बजरीस है ये, इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर हैं, जो आप आगे देख ब्लू बर्ड देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल कलर है। और इसमें भी सब कलर और सब म्यूटेशन के बर्ड्स मिल जाएंगे आपको। ये 600 रुपीज पेयर है। और इसका अगला आप देख सकते हैं कॉकटेल, ये हो गए आपके कॉकटेल लुटिनो, ग्रे फॉन, हेलीकॉप्टर, ये सब इसमें मिक्स्ड है। और इसका 3500 रुपीज पेयर है। आप देख सकते हैं जावा है, सिल्वर जावा है, फॉन है, ग्रे है और अल्बाइनो जावास भी है इसमें। ये आप देख सकते हैं अल्बाइनो जावा, ये भी ब्रीडिंग पेयर्स हैं। और दूसरा आप इधर देख सकते हैं शैटिनेट पिजन, ये 3500 रुपीज पेयर है शैटिनेट पिजन। और ये फैंटेल पिजन है, फैंटेल पिजन भी 3500 रुपीज पेयर है।
और ये जैकोबिन है, जैकोबिन में अडल्ट पेयर है, ये 4500 रुपीस पेयर है जैकोबिन। और ये आप देख सकते हैं गिनीफॉल, गिनीफॉल जैसे फॉर्म वगैरह हैं और जो स्नेक्स प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, ये वो चिकन है। बहुत सारे लोग इनको और टर्की को रखते हैं बिकॉज इनका जो साउंड रहता है इस वजह से सांप आने में डरता है, तो बहुत सारे लोग ये भी रखते हैं। तो अभी दूसरा हम दिखाएंगे बटरफ्लाई पिजन, ये भी आप देख सकते हैं सेमी अडल्ट है एक्चुअली, और ये 4500 रुपीस पेयर है। ये अभी सेमी अडल्ट है, ये भी बहुत अच्छा पेयर है। आप इनका नेक पे देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल विंग्स पर जो आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कड़कनाथ है जो जेट ब्लैक आते हैं, और इनका बहुत सारे लोग भी बोलते हैं इनका जो खून रहता है ये भी ब्लैक ही रहता है। तो ये है कड़कनाथ और ये है 1200 रुपीस पेयर का। और ये आप देख सकते हैं गिनीफॉल, गिनीफॉल में सिल्वर कलर भी है, दो तीन कलर आते हैं इसमें, तो ये सिल्वर इनका वेरिएंट है और ये कॉमन वेरिएंट है। तो ये सिल्वर है, इसमें व्हाइट कलर भी आते हैं, तो अभी मेरे पास वो स्टॉक नहीं है व्हाइट में। तो गाइस आप ये देख सकते हैं फ्रिल बैक है जो बहुत मोस्ट ऑफ द फेमस चिकन है, हेन है। तो ये बहुत रेयर मिलते हैं, जैसे सिल्की फैंटेल सिल्की हो गए, फ्रिल बैक हो गए, तो ये सब चिकन सभी इंडिया में बहुत रेयर है। तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये 1200 रुपीस पेयर है और इसमें बच्चे बड़े अडल्ट सभी मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं केप डाउ की फीमेल जो है वो भी अभी आप देख सकते हैं, ये मिस कर लिया था हम लोगों ने। तो अभी ऐसे बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड एनिमल्स मिस हो रहे हैं, तो आप शॉप पे आके विजिट करके देख सकते हैं। ये है केप डाउ और इसका प्राइस है 12,000 पेयर, और इसमें भी ब्रीडिंग पेयर मिल जाएंगे, और मेरे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं अभी, और इसमें भी आपको म्यूटेशंस मिल जाएंगे। और आप ये क्यूट से डक्स बेबी देख सकते हैं, बहुत प्यारे और बहुत एक्टिव, आप देख सकते हैं वो कितना एक्टिव है। आप इनका साउंड भी देख सकते हैं, एकदम बहुत एक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये आपको पड़ जाएगा 600 रुपीस पेयर डक के बच्चे, और इसमें बहुत सारे मेरे पास म्यूटेशंस भी आते हैं, जैसे हाइब्रिड में भी आते हैं, कॉमन भी आते हैं। तो ये 600 रुपीस पेयर है, ये कभी भी मेरे शॉप पे अवेलेबल है। आप सब लोग जानते ही हैं बेंगलुरु जेपी नगर पे आप आ सकते हैं कर्नाटका एक्वेरियम। तो अभी हम लोग शॉप के अंदर जाने वाले हैं, बाकी और आपको फिशेस बताएंगे। तो अभी आपने बर्ड्स वगैरह तो देख लिया, और मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ फिशेस और रेप्टाइल दिखाने के लिए। तो आप मेरे साथ आइए, फिशेस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पास जो है टेट्रा वैरायटी के कलरफुल फिशेस हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है टैंक। ये सभी वीडियो टेट्रा के म्यूटेशंस हैं, जैसे कलर वगैरह है इसमें, पिंक ब्लू येलो बहुत सारे कलर है। और आप ये देख सकते हैं इसमें पूरा मिक्स चिकलेट्स है, ऑस्कर है, जॉइंट गुरामी है, इसमें बहुत सारे मिक्स चिकलेट्स हैं, जैसे ब्लू मॉर्फ है, येलो मॉर्फ है, बनाना मॉर्फ है, ऑस्कर में 4-5 वैरायटी है, कॉपर ऑस्कर, अल्बाइनो ऑस्कर, रेड ऑस्कर। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फिशेस मैंने ऐड किया हुआ है। इसमें काफी सारे फिशेस मैंने ऐड किया हुआ है, और इधर आप नीचे देख सकते हैं बेटा फिशेस है ये। तो बेटा फिशेस मैंने 150 रुपीस ईच पीस के हिसाब से रखा हुआ है, आप इनके कलर वगैरह देख सकते हैं बेटा फिशेस के। तो ये कलर भी मैंने 150 रुपीस में रखा हुआ है, बिकॉज मेरे को यही बहुत सारे कस्टमर आके बोलते थे अभी आपके पास स्टॉक नहीं था, जब मेरे पास स्टॉक नहीं था तो बहुत सारे लोग बेटा फिश को पूछ रहे थे। आप ये देख सकते हैं क्राउन टेल भी 150 रुपीस में ही है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कलर अभी आए हुए हैं बेटा फिशेस के, और इसमें प्लकार्ड, फुल मून और क्राउन टेल फिशेस मेरे पास अभी अवेलेबल है बेटा फिशेस में। और आप इधर देख सकते हैं गप्पी फिशेस, जो इम्पोर्टेड गप्पी है, ये 120 रुपीस पेयर है। और नॉर्मल फीमेल गप्पीस आप देख सकते हैं, ये भी 120 रुपीस है फीमेल गप्पी, और जो रेगुलर फीमेल गप्पीस है ये 20 रुपीस पेयर है।
रेगुलर फीमेल का पीस, और इधर आप देख सकते हैं इसमें जीब्रा फिशेस और जैगवार है, और इधर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी एग्जॉटिक फिशेस, एलिफेंट नोज, जो ये ब्लैक कलर आप देख रहे हैं पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, ये एलिफेंट नोज है। इधर आप देख सकते हैं वरांडा फिश, और ये जिब्रा फिशेस हो गई आपकी जो रेगुलर, इसमें तीन कलर है, ग्रीन, येलो और कॉमन कलर, तो ये मैंने तीनों मिक्स करके रखी हुई है। और इधर आप देख सकते हैं रोजी बार्ब, और बड़े गोल्ड देख सकते हैं, एकदम बिग साइज, बहुत ब्यूटीफुल साइज है, काफी बड़ा है इनका साइज, आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा लेकिन काफी बड़ा है इनका साइज, आप अगर लाइव देखेंगे इनको समझ आ जाएगा। और येलो मॉर्फ आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में येलो मॉर्फ है, तो ये स्मॉल एसके गोल्ड है, एसके गोल्ड है स्मॉल, छोटा वाला एसके गोल्ड है, ये 80 रुपीज का पेड़ आता है मेरे पास। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कार्प, जो कोई कार्प है, और इसमें मैंने मिल्की कोई कार्प और रेगुलर कोई कार्प दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है, बिकॉज स्पेस बहुत अच्छी खासी थी इनके लिए, तो इसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो अभी टिल्पाइन देखते हैं, तो ये का जो रेगुलर टैंक में डालने वाला फिश है टिल्पाइन, तो ये टिल्पाइन है, इसमें अल्बाइनो है, सिल्वर है, दोनों म्यूटेशन है, अल्बाइनो और सिल्वर दोनों है, जो अल्बाइनो है 150 रुपीज है, जो सिल्वर है 120 रुपीज है, और स्मॉल गोल्ड आप देख सकते हैं, ये आ गई आपकी स्मॉल गोल्ड, जो 50 रुपीज पेयर में आती है। अगर आप इसको क्वांटिटी में ले रहे हैं तो जैसे मिनिमम अगर 1 dozen ले रहे हैं तो आपको ये 10 रुपीज ईच की पड़ जाएगी, 10 रुपए ईच पीस, और ये गोल्ड फिश आपको ये साइज में कोई दे नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल। तो मैं ये आपको 10 रुपीज में देने वाला हूँ। और सेकेंड नंबर पे आता है कोई कार्प, जो थोड़े बड़े कोई कार्प हैं, जैसे मैं आपको छोटे कोई कार्प बता रहा था उससे थोड़े काफी बड़े हैं, तो ये आ गए आपके 150 रुपीज पेयर वाले, और इससे जो हाई रेंज के और इससे थोड़े बड़े कोई कार्प हैं वो आप ये देख सकते हैं, ये 350 रुपीज पेयर है, इससे थोड़े बड़े हैं ये, तो इसमें आपको वेलटेल सब मिक्स आ जाएंगे। और आप टाइगर शार्क देख सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द इंडिया फेमस फिश जो है वो आज टाइगर शार्क है, बिकॉज इनको बहुत सारे कस्टमर खरीदना चाहते हैं और पालना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत हॉट फिशेस में एक गिनी जाती है, और ये बहुत जल्द मरते भी नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इनको सजेस्ट करते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, आप अगर ठीक से पालेंगे तो फिशेस को कुछ होगा नहीं। तो अभी मैं रेड पैरेट्स बताऊंगा और येलो पैरेट बताऊंगा। रेड पैरेट और येलो पैरेट आप देख सकते हैं, ये रेड पैरेट आप या फिर येलो पैरेट दोनों में से कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं, ओनली 800 रुपीज पेयर है, और इनका साइज भी बहुत अच्छा है। रिगार्डिंग दूसरे फिशेस, जैसे मेरे पास रेड पैरेट बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, उनके मुकाबले में ये बहुत काफी अच्छा साइज आया हुआ है इस बार का। तो रेड पैरेट और येलो पैरेट दोनों 800 रुपीज पेयर है, और इनका आप साइज और पैरेट का जो शेप है ये आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल शेप आया हुआ है, एज इट इज पैरेट शेप में ही है। बहुत सारे अभी पैरेट्स ऐसे आ रहे हैं कि कुछ डिजाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बस पैरेट ही बोलते हैं, जैसे डेविल फिश को भी आजकल पैरेट बोलने लगे हैं। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं ये एंजल्स हैं, और इसमें सिल्वर शार्क है, इसमें बड़े एंजल जो है वो 250 रुपीज पेयर के आएंगे, जो छोटे एंजल है वो 120 रुपीज पेयर आएंगे, और जो आप व्हाइट एंजल देख रहे हो ये भी 120 रुपीज के आएंगे। तो इसमें तीन वैरायटी के एंजल्स हैं, और सिल्वर शार्क जो है वो 250 रुपीज पेयर है, ये आप सिल्वर शार्क देख सकते हैं, ये 250 रुपीज पेयर है। तो अभी मैं इससे बड़े कोई कार्प बताऊंगा जो जापानीज कोई है, तो बस अभी ये इधर एक ही पेयर आपको दिख रहा है, मेरे पास क्वांटिटी अच्छी खासी है, आप जापानीज कोई देख सकते हैं, इसका कलर वगैरह देख सकते हैं। तो ये मैं सेल कर रहा हूँ 2500 रुपीज
पेर का, और मैं 2500 रुपीज 1250 रुपीज में ईच पीस आ रही है जापानीज कोई, और ये बहुत अच्छा साइज है। और इसमें मिल्की कोई जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 800 रुपीज पेर है। बेल्टेल कोई का 800 रुपीज पेर, बहुत अच्छा रेट है इसका। और इधर आप देख सकते हैं मिक्स चिकलेट्स, जो रेगुलर चिकलेट्स आते हैं, कॉमन चिकलेट्स इनको आप बोल सकते हैं। तो ये आ गए आपके 450 रुपीज पेर में। और इसमें भी आप देख सकते हैं डेविल वगैरह है, इसमें आप देख सकते हैं डेविल है, पता नहीं बहुत कुछ वैरायटी है इसमें। और जो मूली फिश है, जो मराइन में भी जी लेती है फिश, तो ये आप मूली फिश देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज का पेर आता है। 20 रुपीज ईच पेर है, मेल फीमेल। और अगर आप डजन ले रहे हो तो 120 रुपीज में आपको डजन मिल जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब टेट्रा वैरायटीज हैं, और इसमें नियॉन टेट्रा भी बहुत सारे मिले हुए हैं। तो नियॉन टेट्रा भी आप देख सकते हैं, नियॉन टेट्रा 80 रुपीज पेर है, जो टेट्रा वैरायटी बाकी आपको दिख रही है वो 120 रुपीज पेर है। तो ये आप देख सकते हैं स्मॉल चिकलेट्स, बेबी चिकलेट्स जो इसमें मिले हुए हैं, और इसमें बाकी दूसरे टेट्राज भी हैं जो इनको हार्म नहीं कर रहे हैं। स्मॉल चिकलेट्स का ये फायदा हम ले सकते हैं, जो जब बेबी रहते हैं ये किसी को मारते नहीं है, और ये सिर्फ फुट और फूड पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बाइचर फिश है, और इसमें दो म्यूटेशन है, एक कॉमन बाइचर है, एक अल्बाइनो बाइचर है, और ये काफी बड़े हो जाते हैं गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल और काफी बड़े हो जाते हैं। और इनके आप पर वगैरह देख सकते हैं, ये एज इट इज पैर के तरह दिखते हैं। अब जब ये फिश बैठी है आप इसके पर देखिए, इसको ऐसे लग रहा है कि पैर से खड़ी हुई है, तो दिखने में ही ये बहुत यूनिक है बाइचर। और इसका सिंगल पीस का प्राइस है 1200 रुपीस पीस है। और आप लॉबस्टर देख सकते हैं, लॉबस्टर्स में अभी बस यही कलर है मेरे पास, और इसमें 5 से 6 कलर मिल जाएंगे। ये 450 रुपीस पेर है लॉबस्टर्स का। तो ये है ज्वाइंट गुरामी, गोल्डन ज्वाइंट गुरामी, तो इसका प्राइस है 1200 रुपीज पर पीस, बिकॉज ये बहुत सारे लोग पेर में नहीं पालते, पीस में पालते हैं। और ये 1200 रुपीज पीर है, गोल्डन ज्वाइंट गुरामी। और इधर आप देख सकते हैं एलिगेटर गार, और ये काफी अच्छे साइज में है एलिगेटर गार, ये 3500 रुपीज पीस है एलिगेटर गार। और इधर आप देख सकते हैं अरवाना, जो सिल्वर अरवाना कॉमनली बहुत अच्छा सेल होती है, खासकर मैं पूरे इंडिया में ये इतना अरवाना सेल होते हुए नहीं देखता हूँ जितना कर्नाटक बैंगलोर में सेल होती है, बिकॉज इधर बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल होती है। और ये ऑल ओवर इंडिया जो आप वीडियो देख रहे हो अभी, ये पूरा जो भी आपको बर्ड्स एनिमल्स जो भी बताया हुआ है, तो ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। बैंगलोर जेपी नगर में पेट शॉप है, कर्नाटक एक्वेरियम। तो ये आप देख सकते हैं ये एंजल फिश है, सिल्वर एंजल, और ये मराइन और सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर ये दोनों में सर्वाइव कर लेती है। ये अभी फुल्ली सेटल्ड फिश है, जैसे फ्रेश वाटर में फुल्ली सेटल्ड हुए फिश है। तो एक्चुअली मैंने इसको मराइन टैंक बनाया हुआ था, लेकिन वो मराइन पानी निकाल के मैंने फ्रेश वाटर डाल दिया, बिकॉज एंजल फिश भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे इसमें। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है टैंक, इस वजह से मैंने एंजल फिश ही डाल दिया। तो इसका प्राइस है 650 रुपीज पेर एंजल फिश का। अगर ये जितनी भी क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अभी मैं जैसा आप फिशर्स और बर्ड्स दोनों देख चुके हैं, तो अभी मैं हमारा जो कर्नाटका एक्वेरियम का मोस्ट फेमस, जैसे हम लोग सिर्फ एक्जॉटिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हेजॉग मैं बताऊंगा, और पीछे आपको बॉल पाइथन और इग्वानास वगैरह जो भी है मेरे पास वो मैं बताना चाहूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं फिर से स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज आपको ऐसे नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ नया कंटेंट चाहिए या मेंटेनेंस के बारे में आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए उस वीडियो में आपको हम वीडियो बना के आपको बता देंगे, और 100% इसमें आपको समझा देंगे। तो अब हम देरी ना करते हुए जाते हैं स्नेक्स के ऊपर और हेजॉग। पहले मैं हेजॉग बताना चाहूंगा।
इधर आप देख सकते हैं ये हेजॉग है और इसमें सभी वैरायटी के हेजॉग हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास अभी 250 के पीस के अराउंड हेजॉग अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं क्रिम्सन है और उसके बाजू जो सो रहा है वो पेपर एंड सॉल्ट है। ये अल्बाइनो हेजॉग है तो ये सब सिर्फ 15,000 रुपीस पेयर में मिल जाएगा आपको। तो इधर आप देख सकते हैं ये कॉर्न स्नेक है, छोटा बच्चा है कॉर्न स्नेक का। और ये काफी हेल्दी है और आप इसको देख सकते हैं मस्त म्यूटेशन भी बहुत अच्छा है। तो अभी दूसरा मैं बॉल पाइथन दिखाना चाहूंगा और ये कॉर्न स्नेक का जो प्राइस है ये 35,000 रुपीस पर पीस है। आप ये देख सकते हैं पेस्टल बॉल पाइथन जो 1,15,000 का है और कॉमन पेस्टल बॉल पाइथन देख सकते हैं ये 1,15,000 का है और ये दोनों मेल फीमेल है बॉल पाइथन। तो अभी मैं दूसरे दिखाऊंगा। तो ये आ गया आपका स्पाइडर बॉल पाइथन जो म्यूटेशन में है। ये अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये अभी शेडिंग में है, ये अभी इसकी स्किन चेंज करने वाला है। तो अभी एक और स्पाइडर बॉल पाइथन दिखाऊंगा मैं। तो ये भी आप देख लिए और मैं दूसरा जो अडल्ट पेयर है वो मैं बताऊंगा बिकॉज अभी आजकल क्या बहुत सारे लोग अडल्ट को पूछ रहे हैं बिकॉज उनको भी ब्रीड करना बहुत पसंद आ गया है। जैसे कि सभी लोग अभी ब्रीड कर रहे हैं तो उनको भी ब्रीड करने के लिए चाहिए अभी। तो आप ये देख सकते हैं अडल्ट पीस है और इसमें मेरे पास मेल फीमेल है। मैं आपको दोनों एक साथ दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए इजीली। आप ये देख सकते हैं ये दोनों अडल्ट हैं, ये आप देख सकते हैं मेल है और ये आप देख सकते हैं फीमेल है। फीमेल आई थिंक मोस्टली मेरे हिसाब को अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी बिकॉज इसका आप साइज देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल साइज आ गया है इसका। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कंफर्म अडल्ट है, मतलब अडल्ट तो है ही है, प्रेग्नेंट लग रही है मुझे बिकॉज इसका जो सोने का तरीका है ये आप देख सकते हैं। हाँ कंफर्म 99% बोल सकते हैं ये फीमेल अभी प्रेग्नेंट है, अंडे कभी भी ये दे सकती है, इस वजह से मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ है। और आप इसका साइज देख सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल साइज और इसका हेल्थ देख सकते हैं आप बहुत अच्छा हेल्थ में है। तो इसका मैंने 2,50,000 रुपीस पेयर का रखा हुआ है बिकॉज ये बहुत दिनों से मेरे पास है और जो भी इसको ब्रीड करना चाहता है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो अभी वीडियो के साथ और बने रहिए, वीडियो एंड नहीं हुआ है बिकॉज मैं इसके साथ आपको लेके आने वाला हूँ इग्वाना वैरायटी। जो इग्वाना थोड़े बहुत मेरे पास है वो मैं थोड़े जो है वो बता दूंगा। आप इग्वाना देख सकते हैं, तो आप इग्वाना देख सकते हैं जो आज मेरे पास म्यूटेशंस अवेलेबल है। और इसमें ये आप देख सकते हैं ग्रीन इग्वाना है जो मेल है, ग्रीन इग्वाना मेल है। और दूसरा मैं लुटिनो बताना चाहूंगा, लुटिनो आप देख सकते हैं मेरे शोल्डर पे बैठा हुआ है, ये भी काफी अच्छा साइज है लुटिनो का बिकॉज ये साइज में इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल और इसका आप टेल वगैरह देख सकते हैं थोड़ा भी डैमेज हुआ नहीं है, एक नेल भी इसका डैमेज नहीं हुआ है। तो लुटिनो इग्वाना भी आप देख सकते हैं ये 55,000 रुपीस का पीस है और अल्बाइनो लुटिनो हेड वैरायटी है जो जिसको आप हेड बोल सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, ये 1,15,000 रुपीस का पीस है, 1,15,000 रुपए का पीस है। और जो इग्वाना जिसके पास बड़े नहीं हो रहे हैं उनको मैं अभी लेके आया हूँ मजूरी फूड। आप ये देख सकते हैं ये बेबी इग्वाना का मजूरी फूड है और ये इसका पैकिंग ऐसे ही आया हुआ है, ये मजूरी फूड है। आपके जो भी इग्वानास हैं और टॉर्टोइज़ेस हैं उनके लिए मैं मजूरी लेके आया हुआ हूँ। तो टॉर्टोइज़ का आप देख सकते हैं ये टॉर्टोइज़ फूड है
और इसमें काफी मेरे पास वैरायटी के फूड हैं जो टॉर्टाइस को पसंद आता है, और इस ये सभी मैं सिर्फ बाहर के वीडियोस में ही देखता था, आज ये कर्नाटका एक्वेरियम पे अवेलेबल है। और टॉर्टाइस मजदूरी भी मैं दिखा दूंगा, जैसे आपको टॉर्टाइस मजदूरी ओरिजिनल पैकिंग की है, बिकॉज ये मैंने मंगाया हुआ है बाहर से। तो अभी टर्टल फूड भी है मेरे पास मजदूरी का, जो एक्वाटिक टर्टल्स आते हैं उनके लिए मजदूरी फूड भी है, और बाकी शुगर ग्लाइडर्स के लिए भी अभी मेरे पास फूड आया हुआ है, और मंकीज के लिए भी फूड मजदूरी आया हुआ है। तो जिसको भी चाहिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं स्पैनी टेल लिजर्ड, ये आप देख सकते हैं मेरे पास अभी स्पैनी टेल लिजर्ड भी अवेलेबल है, और इसका आप कलर देख सकते हैं, जो बैक का कलर है कितना ब्यूटीफुल आया हुआ है। और ये स्पैनी टेल लिजर्ड है, 45,000 रुपीज का पीस है, और ये अभी फीमेल है मेरे पास, अगर मेल भी चाहिए किसी को तो मिल जाएगा, अभी तो फिलहाल मेरे पास फीमेल अवेलेबल है। तो बाकी गाइस मैं ये चाहूंगा आप जो अभी शॉप जो भी देखे हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सके हमारा चैनल और हमारे पेट्स भी देख सके। अगर किसी को कुछ इसमें डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप हम कुछ एनिमल मिस कर दिए हैं, या फिर कुछ आपको दूसरा एनिमल देखना चाहते हो जो एग्जॉटिक है, तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हो सकेगा तो हम वो भी आपको लेके आएंगे वीडियो, और उसका डाइट वगैरह तो वो तो हम बना ही रहे हैं, तो वो भी आपको बताते रहेंगे। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उतना ही हमारा भी और चैनल का भी ग्रोथ होगा, तो ऐसे हम लोग फैमिली के तरह ही आगे जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा अभी यूट्यूब पे इशू चल रहा है, वो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा गाइस, कर्नाटका एक्वेरियम को सपोर्ट करना, लाइक करना कभी भूलना मत। हमारे चैनल पे अभी नए नए कंटेंट आते रहेंगे, तो वो कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।